उसको समझाओ, अपने बदमाश बेटे को समझाए। हमारा बेटा फुजूल में उसको फसाया। काला, हमको पता है कि उसने फसाया है, हम आपके साथ है ना। तुम्हारा साथ होने से हमारे को क्या फायदा होगा? उसका भाई उसी हॉस्पिटल में जॉब करता है। उसने हमको कहा कि वो वही लिखेगा जो सच होगा, उसके अलावा कुछ नहीं लिखेगा। अरे हम भी तो यही चाह रहा है कि वो सच लिखे। अगर वो डॉक्टर है तो उसको तो देख के समझ आ जाएगा कि उंगली उसने खुद ने काटा है या किसी और ने काटा है। अरे अभी तुम नाली भाई को नहीं जानता है। असल बात तो ये है कि तुम्हारा भाई का दोस्त जेल में है और कल दूसरा चला जाएगा। अगर तुमने हमारे साथ ऐसा किया ना तो तीसरा नंबर तुम्हारा भाई का होएगा। तुमने उस रात नहीं बताया कि तुम्हारा गली में इनके साथ हाथापाई हुआ था? अरे इतना नहीं हुआ था दादा, ऐसी हल्का फुल्का हुआ था। हमने सोचा तुमको क्या परेशान करे, और हमको क्या पता था उसने वो चुरी वाला केस बनाने के लिए सब कुछ किया था। ये नादिर को कंट्रोल करो ना, ऐसा करो कंट्रोल होवे वो। हाँ? अभी कैसे कंट्रोल करे, समझाता है भाई, नहीं समझता। इसका कोपड़ी में कागज भरा हुआ है, क्या करे, जवान औलाद है। हाँ, अल्लाह ठीक करेगा इंशाल्लाह। हम आया था चाचा के पास कि हमको ताने ले चलो। आपको क्यों? हम गवाही देता ना कि आप बेगुनाह है। लेकिन आप कैसे देता, आप तो वहाँ था ही नहीं जिस वक्त हमारा लड़ाई हुआ। हाँ, लेकिन हम उस वक्त तो मौजूद था ना जब नादिर भाई अपने दोस्त से बात कर रहा था कि ये सब उसने किया है। आ गया। अरे सुना है, बहुत कोशिश किया तुमने। आ तो नहीं करता क्या? अरे क्यों किया वैसे? अरे वो तुम हमारे भाई का दोस्त है ना, बस इस वजह से। तुम्हारा कुछ नहीं लगता? अरे अब तुम हमसे ना इतना मुश्किल सवाल मत किया करो। अरे अगर तुमको ये सवाल मुश्किल लग रहा है तो डॉक्टर कैसे बन रहे तुम? हाँ, अरे डॉक्टर के पर्चे में ये सवाल नहीं आता। आज हम छोड़े कॉलेज तुमको? हाँ क्यों, बस में क्या बुराई, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। अरे हम चाह रहे थे आप थोड़ा वक्त गुजारे तुम्हारे साथ, बात मत करे तो दिल हल्का हो जाएगा, सुकून भी मिल जाएंगे दिल को। हाँ मगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा ना। अरे तो क्या हुआ, हम काम से जा रहा था, तुमने कहा छोड़ दो, हमने बोला ड्रॉप कर देता हूँ, और क्या। देखो हमको ना डर लगता है। अरे चलो बैठो, कुछ नहीं होता है, हम खुद बोल देंगे शायद को अगर किसी ने बताया तो। अगर किसी ने देख लिया तो बोलेगा कि भाई की दोस्त का फायदा उठाता है, पीठ पीछे धोखा देता है, उसके साथ घूमता है। अरे हम उसको बोलेंगे उसका साथ घूमना फिरना जायज है जिससे आप शादी करना चाहते हो। बड़ा आगे तक का सोचा तुमने? वैसे तुमने कहाँ तक सोचा? फिलहाल तो हमने हॉस्पिटल तक का सोचा है। अरे क्या मतलब है, हमको अस्पताल दाखिल कराने का सोचा तुमने? अरे मैं मजाक कर रहे, चलो तुम चलो चलो बाइक सीधा करो।
अच्छा बच्चा लोग, सबने काम कर लिया? ठीक है, अभी आपका छुट्टी का टाइम हो गया है, कल सबको टाइम से आना है, ठीक है? अभी आप जाओ। जी वो दादा यहाँ नहीं है? वो तो आके चले गए। और पैसल? वो तो यहाँ नहीं आता। अब आप दिलावर है ना? जी। काफी चेंज हो गया है आप भी। आ तो वक्त सबको बदल देता है, आप भी तो काफी बड़ा हो गया है। वो आप बैठो ना। नहीं नहीं, हम ठीक हूँ। वो असल में हमने फैसल को घर पे नहीं देखा, तो हमने सोचा यहाँ पे होगा। वक्त बहुत खराब है, अब कभी भी कोई उंगली काट कर ताने चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। हमको बहुत अफसोस है फैसल के लिए, हमने उसे माफी भी मांगा था। अरे नहीं नहीं, हम तुमको कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुम तो बहुत अच्छा है, बल्कि तुमको देख के तो हमको तो बहुत हौसला हुआ है। हम तो बस कोशिश कर रहा है। हम चलता हूँ फिर। अच्छा लगा तुमको इतने ऐसे बात देखा। और आप? और हम क्या? तुम बहुत बड़ा हो गया है और खूबसूरत भी। ये सब लोग आपस में एक दूसरे को बचाने के लिए अपना जान लगा देगा, इसलिए हमने प्लान किया है कि हम उनको आपस में लड़ाएगा और खुद ही एक दूसरे से लड़ेगा तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। डॉक्टर नहीं मिलेगा हमें और पेसल जाएगा जेल। अरे दादा, लेकिन जाएगा कैसे? अब पूरा हाथ काटना पड़ेगा क्या? कि मैंने तुमसे शादी की बात की है, तुम ससुराल तक सोचने लग पड़ी। क्योंकि बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके साथ मजीद और वक्त गुजारना चाहती हूँ, तो आपको क्या जल्दी है मुझे घर से भेजने की? अरे फुटबॉल को दफा करो, शादी मादी हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, फुटबॉल को भूल जाएगा। लेकिन ये लियारी का चौकरी लोग है ना, ये तेरे शहजादे को पसंद नहीं आएंगी। और रिश्ता मिलना बहुत आसान नहीं है, मतलब ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई, वो तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। लोग सही कहते हैं, इस उम्र के इश्क में इंसान माल के साथ साथ ना जानलेवा भी हो जाता है। मुझे लगता है कि उसकी अकल पे पर्दा पड़ गया है। आप क्यों इतना फोर्स कर रहे हैं? वो जो कर रहा है उसे करने दे, वक्त आने पर वो खुद ही पछताएगा। तब पछताने का क्या फायदा, उसे अपनी जवान बेटी का भी एहसास नहीं। मुझे तो बड़ी हैरत है इस बात पे। जब से शादी की बात घर में चली है, अरुज ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया है। अरे भाई, सब कुछ कह के देख लिया, उस पे कोई असर ही नहीं होता। कर लेने दो, वो यही समझता है कि हम उसकी खुशियों के दुश्मन हैं।
हाँ जितना हम कह सकते थे हमने कह लिया, असल में तो हमें उरूज की फिक्र है। किसी दूसरे की औलाद को अपनी औलाद बनाना कितना मुश्किल काम है। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, जब उसके बाप कोई परवाह नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ ये बात भी तुम्हारी ठीक है। और बच्चियां सो रही हैं क्या? हाँ मैं इनका मैं नाश्ता बना लूं तो फिर उन्हें उठाती हूँ। अच्छा ऐसा करो कि उरूज को भी जगा देना और उसे अच्छी तरह समझा देना कि जो कुछ हो रहा है उसे चुपचाप तस्लीम कर ले। ठीक है? ठीक है। अरे क्या देख रहे हो उस्ताद, इसमें कोई खास है हमको भी दिखाओ। अरे शाहू तेरे देखने का नहीं है, तेरे सुनने का है। देखने का नहीं है सुनने का है? अरे वो अपना डॉक्टर नहीं है, आज उसके साथ मोटरसाइकिल पे गया है, लेकिन हमने भी गेम बदल डाला। अब उनको फंसाएगा उन्हीं के केस में। उसके साथ? समझा नहीं। अरे तूने उंगली काटा और केस हमने डाला, अब हाथ भी वही काटेगा और केस भी खुद ही करेगा। ऐसा है क्या? और नहीं तो क्या। अरे नादर भाई ऐसा क्या प्लान है, हमको भी तो बताओ ना। देखो ये सब लोग आपस में एक दूसरे को बचाने के लिए अपना जान लगा देंगे, इसलिए हमने प्लान किया है कि हम उनको आपस में लड़ाएगा और खुद ही एक दूसरे से लड़ेंगे तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। डॉक्टर नहीं मिलेगा हमें और पेसल जाएगा जेल। अरे दादा लेकिन जाएगा कैसे, अब पूरा हाथ काटना पड़ेगा क्या? अरे हम बताता है ना, डॉक्टर नहीं जाएगा पेसल के साथ और आज हमने वीडियो बनाया ना, अब जब जाएगा पैसे के साथ तो वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा मतलब जान से मार देगा? अरे पागल हो गए? अरे मारेगा नहीं, साइड पे कर देगा। ओ अच्छा उस्ताद, तुम्हारा मतलब है कि वो वीडियो, वो क्या बोलते हैं उसको, वो वीडियो वायरल करेगा क्या? हाँ ना, और जब वो वीडियो में उसके साथ जाएगा तो फिर उसके बाद वो कहाँ गया ये तो वो ही बताएगा ना कि जिसके साथ वो गया है। अरे वाह उस्ताद क्या दिमाग लड़ा है, तुमको तो सियासत में होना चाहिए था, तो बड़े बड़े पैंतरे जानते हैं। अरे ऐसे ही तो नहीं, पूरा लियारी हमको भाई बोलता है। सर प्लान तो अच्छा है लेकिन डॉक्टर नहीं हमको फौरन पहचान लेगा। अरे बहुत लोग हैं, पैसा लेके ये काम करेंगे ना। अरे दो दिन तो साइड पे रखना उसको। देख लो नादर भाई भरोसे का आदमी तो है ना। अरे भरोसे का आदमी है तो करवा लो काम, ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए डॉक्टर नहीं के साथ। अरे कैसे गलत होएगा, अरे उसको मेहमान की तरह रखेगा, हम पैसा लगाएगा। अरे कुछ घंटों का तो बात है, बस एक इल्जाम ही तो लगाना है और फिर उसके बाद उन लोग का खोपड़ी घूमता रहेगा और आपस में लड़ता रहेगा। समझेंगे? बाबा बुलाया आपने? हाँ बेटा, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी। तुमने शादी के बारे में क्या सोचा? अभी तो कुछ भी नहीं सोचा। बेटा सोच लेनी चाहिए, यही तो उम्र होती है। अगर देखो वसाइल की कमी ना हो तो इंसान को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। बाबा मुझे आपके साथ अभी थोड़ा टाइम और गुजारना है, शादी तो हो ही जाएगी। शादी के बाद क्या होगा बताएं? पूरा वक्त मुझे ससुराल को देना पड़ेगा, जो थोड़ा सा टाइम बचेगा वो हस्बैंड को देना पड़ेगा। माँ बाप से तो
सिर्फ लंच और डिनर पे ही मिलते हैं, और वो भी जब मिलने आए तो लो साहब जी आ गए, चले अब उनके साथ। बाबा आप हंस रहे हैं। बेटा हंस इसलिए रहा हूँ कि मैंने तुमसे शादी की बात की है, तुम ससुराल तक सोचने लग पड़ी। क्योंकि बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके साथ मजीद और वक्त गुजारना चाहती हूँ, तो आपको क्या जल्दी है मुझे घर से भेजने की? बेटा मैं तो तुमसे डिस्कस कर रहा था, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुमने क्या सोचा है शादी के बारे में, बस ये मेरे ध्यान में था। एक सेकंड। हेलो, हाँ ओके भेज दो। ठीक है बेटा जी, बाद में बात ओके ठीक है। हम सोच रहा था दिलावर की शादी मादी कर दे, अब काम पे भी जाने लगा है। लेकिन फुटबॉल खेलने तो अभी भी जाता है। अरे फुटबॉल को दफा करो, शादी मादी हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, फुटबॉल को भूल जाएगा। लेकिन ये लियारी का चौकरी लोग है ना, ये तेरे शहजादे को पसंद नहीं आएंगी, और रिश्ता मिलना बहुत आसान नहीं है, मतलब ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना कहाँ, हमने देखी वे लड़की, शायद की बहन है, डॉक्टर नहीं है, हमको बहुत अच्छी लगती है लड़की, बहुत अच्छी है। ये बात तो तुम सही कह रहा है, शायद का बहन तो बहुत अच्छा है, वो भी डॉक्टर नहीं। तो हम बात करें किससे? दिलावर से। अरे दिलावर को छोड़ो, शायद से बात करो, दिलावर से बात करेंगे तो दिलावर मना कर देगा शाहिद से बात करने से, कि कहीं वो ये ना समझे कि दिलावर उसकी बहन पे नजर रखता है। अरे इस पे नजर रखने वाली कौन सी बात है, हम तो रिश्ता लेकर जाएगा। तो हम भी तो यही कह रहा है कि पहले हम जाके बात करते हैं, फिर इसको बताएंगे, वो तो खुश हो जाएगा। ऐसा लड़की पूरी लियारी भी नहीं है, और वो भी डॉक्टर नहीं है। तुम सुबह ही बात करो उससे। ठीक है। मर्द का नियत का क्या मालूम, कब गलत हो जाए। ऐसा गलत हो जाएगा, हम उसकी आंखें नहीं निकाल लेगा जो हमको गलत नजरों से देखे भी। अभी शुक्र करो नादिर को पता नहीं चला कि वो तुम्हारा स्कूल आया, और तुम ऐसा कैसे आने देता है किसी को। अम्मा हमने कब आने दिया, खुद आया था पैसल का पूछने। हाँ तो वो तो बहाना करके आया था ना। इसका मतलब वो हमसे मिलने आया था। हमको सुबह पेसल मिला था बस स्टॉप पे जाते हुए। पेसल? हाँ वो शायद किसी काम से जा रहा था, हम भी स्टॉप पे बस का वेट कर रहा था। स्टॉप पर? अरे इतना अच्छा नहीं लगता है स्टॉप पर, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा, और तुम नादिर भाई को जानता तो है। देखो पेसल, हमारा बात समझने की कोशिश करो, हम अपने भाई से वादा कर चुका है कि अब हम तुमको इस तरह स्टाफ पे आने से मना करेगा, और हम अपने वादे से नहीं पड़ता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बस तुमको देखना था, देख लिया हम। अम्मा दिलावर स्कूल आया था। कौन दिलावर? वही चाचा जावेद मचेरे का बेटा। अच्छा शम्मो का बेटा। आ, कहता है वक्त के साथ इंसान कैसे बदल जाता है कुछ पता नहीं होता, हमारा तारीफ कर रहा था कि हम अच्छा हो गया हूँ। तुम्हारा तारीफ कर रहा था, और तुम कोशर है, तुमको मालूम नहीं है कोई मर्द अगर औरत का तारीफ करता है तो उसका क्या मतलब होता है।
अम्मा हमको नहीं लगता कि उसका कोई ऐसा वैसा मतलब होएगा। हमको क्या पता उसने क्यों तारीफ किया। हम बता रहा हूँ ना, इतना बड़ा हो गया है, बच्चा लोगों को पढ़ाने लगा है, अकल नहीं है क्या? अम्मा तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे? हमको नहीं लगता कि उसने कोई गलत नियत से बोला होएगा। मर्द का नियत का क्या मालूम कब गलत हो जाए। ऐसा गलत हो जाएगा हम उसकी आंखें नहीं निकाल लेगा जो हमको गलत नजरों से देखे भी। अभी शुक्र करो नादिर को पता नहीं चला कि वो तुम्हारा स्कूल आया, वरना ये काम वो ही कर देता। और तुम ऐसा कैसे आने देता है किसी को? अम्मा हमने कब आने दिया, खुद आया था पैसल का पूछने। हाँ तो वो तो बहाना करके आया था ना। इसका मतलब वो हमसे मिलने आया था। हम नादिर को बताता हूँ। अम्मा हम तेरे को तंग कर रहा हूँ। अभी हम ये चूरी मारेगा तुमको, खबरदार। हम तुम्हारा बेटी हूँ, तुम हमको नहीं मार सकता। चलो अभी धनिया चीलो। अरे शाहिद भाई अब सो जाओ, बहुत टाइम हो गया है, सुबह समंदर पे नहीं जाना तुमको। वैसे एग्जाम कब से आपका? अगले हफ्ते से। और हमारा अगले महीने से। अगर अगले हफ्ते से पेपर है तो काम से भला 2-3 दिन छुट्टी ले लो। अरे तुमको पता तो है हमारा हालात हमको का इजाजत देता है कि अपनी मर्जी से काम करे। अरे अब सारा जिंदगी हालात ऐसे थोड़ी ना रहेगा। हाँ इसी उम्मीद पर तो इतना मेहनत किया है। अल्लाह पाक किसी की मेहनत ऐसी रायका नहीं जाने देता। अरे यही यकीन तो हमको यहाँ तक लाया है। तो मंजिल भी तो अब सामने है ना। तुमको पता है पूरा लियारी खुश है कि तुम डॉक्टर बन रहा है। लियारी का लोग तो तब खुश होगा जब हम लियारी की आवाम के लिए काम करेगा। अरे अभी भी तो यही कर रहा है। आप वो हमको सुबह पेशल मिला था पास स्टॉप पे जाते हुए। पेसल? आ वो शायद किसी काम से जा रहा था, हम भी स्टॉप पे बस का वेट कर रहा था। स्टॉप पर? अरे इतना अच्छा नहीं लगता है स्टॉप पर, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। और तुम नादिर भाई को जानता तो है। अब वो भी उधर इसीलिए आया था शायद कि हमको कोई मसला वसला ना हो। उसने हमको तो बताया नहीं। अरे याद नहीं रहा होगा उसको, हमने बता दिया ना, ऐसा भी क्या बताना। अरे सुनकर हमको अच्छा नहीं लगा। हमारा अच्छा दोस्त है, हमारा घर पर आता है हमारे मौजूदगी में तो हमको अच्छा लगता है, मगर इस तरह बस स्टॉप पे हमारा बहन से खैर कैरियत पूछेगा तो हमको अच्छा थोड़ी लगेगा। और हम लोगों को थोड़ी समझा सकता है कि वो हमारा कितना अच्छा दोस्त है। अरे तुम तो नाराज हो रहे, हम उसको अगली दफा आएगा ना तो हम अपने अल्फाज में उसको समझाएगा। आप उसको कुछ मत कहना, आपका अच्छा दोस्त है। नहीं हम नहीं बोलेगा, हमको पता है वो अच्छा है, हमारा फैमिली जैसा है, लेकिन बाहर वाला तो नहीं जानता ना कि वो हमारा कितना अच्छा दोस्त है। हाँ हम समझता है। तुम पढ़ो, हम जा रहे हैं अपने कमरे में। अरे चलो। क्यों तुम जाओ, हम खुद आएगा। अरे क्या तुम नाराज है हमसे? नहीं नाराज नहीं है, शायद भाई को बुरा लगता है तुम्हारा इस तरह यहाँ आना। अरे उसको किसने बताया? आपने खुद बताया। हम अपने भाई से कुछ नहीं छुपाता, हमको बुरा लग रहा था इसलिए हमने सब बता दिया। अरे तो ये भी बता दो ना कि हम तुमको देखने के लिए पूरा रात जागता, नींद नहीं आता हमको। हाँ ये भी बता देगा, सच कह रहा है। अरे नहीं नहीं ये नहीं बोलना उसको, ये तो हम अपना दिल का बात तुमको बता रहा था। ठीक है नहीं बताता, अब जाओ।
अरे हमारा साथ जाने में क्या हर्ज है? थोड़ा देर हमारा साथ देवेगा, क्या हो गया? देखो पैसल, हमारा बात समझने की कोशिश करो। हम अपने भाई से वादा कर चुका है कि अब हम तुमको इस तरह स्टाफ पे आने से मना करेगा, और हम अपने वादे से नहीं पलटा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बस तुमको देखना था, देख लिया हम। अच्छा बात सुनो ना, हमारा हमको भी ना तुम्हें देखकर अच्छा लगता है। अब जाओ, क्या क्या कर रहा हो? चलता है वो, जाओ। अरे हम तो इसका इंतजार कर रहा था ना। आ गए रुस्तम, अब मेरी बात गौर से सुनो। वो आ रहा है, अब तुमने प्लान के मुताबिक सारा काम करना है, समझ रहा है ना? अब जैसे बताया वैसे ही करना। अरे हमको कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, समझा ना? बस पहुंच तू। हाँ, और मेरे को खबर के आ रखता हम। का मतलब है तुम शादी नहीं करना चाहता? अभी हमने किया ही क्या है? हम यहाँ पे आके तुम्हारे साथ मजदूरी करता हूँ, अब्बा को लगता है हम कुछ कर रहा हूँ, और अम्मा सोचता है कि हमारा एक बार शादी हो जाएगा तो हम ये फुटबॉल सब भूल जाएगा, सिर्फ बच्चे पालेगा। हमारा अम्मा ने बिल्कुल सही तरीका निकाला तुमको बांधने का। असल में तो शिकार कोई और कर रहा है। अरे नादर भाई, को बेइज्जत करवाने का तरीका ये भी अच्छा है। पहले शक हम पे जाने दो, जैसे ही वो ताने में जाएगा वहां जाके ताने में ये वीडियो रख दो। अरे फिर देखो कैसे हवा निकलता है। मुझे तुमसे एक बात करना था, लेकिन ये जगह हमको मुनासिब नहीं लगता है। तुम बोलो तो हम तुम्हारे घर आए चाची को लेके तुम्हारी। अरे चाचा, वो भी तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो आ जाओ। बात तो घर पे करने वाला है, पर चलो तुम भी हमारे बच्चे की तरह है, इधर ही बैठ के बात करते हैं। क्या बात है, चुप कड़ा है? अरे हमारा अब्बा हमारी शादी का बात कर रहा है आज। अच्छा, तभी तुम इस तरह गुमसुम खामोश है, क्योंकि वो तुम्हारा शादी करना चाहता है। अरे तुम लड़की थोड़ी है, तुम मर्द का बच्चा है, तुमको तो खुश होना चाहिए। और अगर तुमको शादी नहीं करना तो अपने अब्बा को बोलो, नहीं करेगा। अरे यही तो मसला है, मैं अब्बा को कुछ बोलता हूँ उसको लगता है हम उसका नाफरमानी कर रहा हूँ, इसलिए अब हम उसके सामने चुप ही रहने लगा हूँ। का मतलब है तुम शादी नहीं करना चाहता? अभी हमने किया ही क्या है? हम यहाँ पे आके तुम्हारे साथ मजदूरी करता हूँ, अब्बा को लगता है हम कुछ कर रहा हूँ, और अम्मा सोचता है कि हमारा एक बार शादी हो जाएगा तो हम ये फुटबॉल सब भूल जाएगा, सिर्फ बच्चे पालेगा। हमारा अम्मा ने बिल्कुल सही तरीका निकाला तुमको बांधने का। अरे यही तो परेशानी है, जब इंसान हालात के हाथों मजबूर हो जाता है तो कुछ कर नहीं पाता, लड़ते लड़ते मर जाता है, और हालात जंग में मरने वाले पे लोग तरस खाते हैं। हम नहीं चाहता कोई हमारे ऊपर तरस खाए, हम कुछ करना चाहता हूँ। अरे हमको यकीन है तुम कुछ कर जाएगा। अरे तुम तो जाके समझाओ ना हमारे अब्बा को, तुम तो उसके साथ लंच पे भी होता है, तुम बड़ा टाइम गुजारता है उसके साथ, उसको बताओ हम कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अभी फुटबॉल अपना आखिरी सांसें ले रहा है, हम बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा हम। चलो तुम परेशान ना हो, अभी हम करता है तुम्हारे लिए कुछ, तुम टेंशन ना लो। आओ
बच्चा सलाम अलैकुम। अरे वालेकुम सलाम बच्चा, कैसा है तुम? हम ठीक है, तुम बताओ क्या हाल है? हम भी अल्लाह का शुक्र है। बच्चा तुमसे एक बात करना था, लेकिन ये जगह हमको मुनासिब नहीं लगता है। तुम बोलो तो हम तुम्हारे घर आए चाची को लेके तुम्हारी। अरे चाचा, वो भी तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो आ जाओ। बात तो घर पे करने वाला है, पर चलो तुम भी हमारे बच्चे की तरह है, इधर ही बैठ के बात करते हैं, आओ। और मच्छी मच्छी चल रहा है? नहीं। हाँ चाचा, काम। अरे उनका दिमाग में जो पहला ख्याल जाएगा वो नादिर भाई का ही होगा, पर असल सबूत तो नादिर भाई देगा। असल में तो शिकार कोई और कर रहा है। अरे नादिर भाई, को बेइज्जत करवाने का तरीका ये भी अच्छा है, पहले शक हम पे जाने दो। अरे जैसे ही वो ताने में जाएगा, वहां जाके ताने में ये वीडियो रख दो। अरे फिर देखो कैसे हवा निकलता है। आइडिया अच्छा है, शाबाश शाबू। अरे नादर भाई, रुस्तम को फोन तो करो, डॉक्टरनी का हाल वाल तो लो, कैसा है वो? शाबू अभी करता है। हाँ चाचा, अब बताओ क्या बोलना था? अरे बच्चा, हम दिलावर का शादी का सोच रहा हूँ। तेरे को पता है हमारा लड़का पढ़ा लिखा है, शरीफ है, नशा मशा भी नहीं करता है, बस एक फुटबॉल खेलता है। वो भी हमारा ख्याल है कि शादी के बाद छोड़ देगा। अरे छुड़वाना क्यों है? ठीक है, तुमको इतराज नहीं है तो भले केले। हम ये बोल रहा है कि तुम दोनों का दोस्ती भी अच्छा है, भाइयों की तरह रहता है, तो रिश्ता घर में ही कर देते। घर में? घर में कौन सा रिश्ता? तिलावर का और तेरी बहन नौशीन का। साथ हमको तो गड़बड़ लग रहा है यार। अन्ना रुस्तम का नंबर बांध तो नहीं हूं? अरे उस्ताद, कहीं लड़की देख के उसका दिमाग तो नहीं फिसल गया? अरे बकवास बंद कर, ऐसा नहीं कर सकता हो। अरे नौशीन घर नहीं आया अभी तक, हमने उसको फोन किया, फोन भी बंद जा रहा है। कॉलेज फोन किया, वो बोलता नौशीन तो आज आया ही नहीं। क्या तुम्हारे को मिला था क्या नौशीन? नहीं नहीं, हमको नहीं मिला है। तुम अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से समझ सकती हो, और अगर इन हालात में तुम्हारे अब्बा दूसरी शादी कर रहे हैं ना, तो ठीक है कर लेने, पर मैं तो मना भी नहीं कर सकती। थाने में रिपोर्ट करते हैं। अरे तुम समझदार होकर कैसी बातें करता है? अगर हमने रिपोर्ट लिखवा दिया और वो घर वापस आ गया तो लोगों को क्या बोलेगा? तुमको मालूम है ना लोग कैसी कैसी बातें करता है। और अगर हम इस तरह बैठे रहे तो कुछ नहीं बोलेगा इलाके का लोग, थोड़े टाइम बाद आके खुद पूछेगा कहाँ है नौशीन, फिर तुम क्या बोलेगा? अपने बेटे के लिए किसी अच्छी फैमिली की लड़की का रिश्ता देख रहे हैं और मैं उनकी हेल्प करूं। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने आपसे मेरे बारे में बात की? ऑब्वियसली बेटा, और देखो ना वो बातों बातों में कई दफा तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं, यही कहना चाह रहे थे ना? बाबा, लेकिन अभी उन्हें बहुत जल्दी होगी, जाहिर है वो लंदन से आए हैं, जल्दी शादी करेंगे, वापस अपनी बहू को साथ ले जाना चाहेंगे। मुझे तो अभी वक्त चाहिए। वो नादिर वाला बात तो आपको पता है ना, वो बस स्टॉप पे उसको तंग कर रहा था, फिर हम उसकी अम्मा के पास गया था शिकायत देकर। हाँ, नादर का दिमाग में तुम तीनों के बारे में फुतूर है, और तुम उन तीनों के बारे में कुछ सोच सकता है गलत। अरे हमने भी यही बोला है, लेकिन शायद मान ही नहीं रहे। हम कह कह के थक गए, चले उठो ताने चलते चल के रिपोर्ट लिखाते, लेकिन नहीं।
तो जो समझ चुके होगा कि हम क्यों आए। अरे चाचा हमको क्या पता है, अरे तू कुछ बोलेगा तो पता चलेगा ना। शायद गबेन अभी तक घर पे नहीं आया है। अच्छा चाचा तुझे पता है कितना बड़ा केस है ये? अभी तो तेरे को समझा रहा है अम्मा। तो ठीक है जाके अपने पोते को डरा, जो तू समझ रहे ना वो हमने नहीं तेरा पोते ने किया है। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, हम की मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, ल्यारी से किवाड़ी, ल्यारी से किवाड़ी। खतरे को नाप लिया, रास्ता हमने नाप लिया, मंजिल हमने है ताड़ी, ल्यारी से किवाड़ी।